क्या फ्रेंड्स आप भी व्हाट्सएप पर किसी के नंबर को सेव करना चाहते हो? कई बार तो ना फ्रेंड होता है हमको मैसेज करता है, उस मैसेज को हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं, रीड करने के बाद उसके मोबाइल को हम सेव करना चाहते हैं तो किस प्रकार कर सकते हैं हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चले गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं फटाफट आपका बिना टाइम गवाए। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर देना और आपको पास में घंटी दिख रही है उस घंटी को आपको ऑल पर प्रेस कर देना ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा गैस तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसा कोई चार्ज नहीं कटेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। उसके बाद आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको जिस भी नंबर को सेव करना चाहते हो उसको आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आपको दिखा दे रहा मैंने उस नंबर को आपको सेव कर लिया, सेव करने के बाद आपको दिख रहा होगा ऊपर नंबर पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप नंबर पर क्लिक करोगे तो गाइस आपको इस प्रकार इंटरफेस आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको देख रहे हो यहाँ पर सेव का आइकन, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे सेव का आइकन पर क्लिक करोगे तो गाइस आपको नंबर वो कहाँ सेव करना चाहते हो आपने ऑलरेडी कहाँ पर सेव कर कर गया उस पर भी सेव करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, और आपको न्यू कंटेंट में सेव करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको न्यू कंटेंट में करना चाहता हूँ तो मैं आपको क्लिक कर लेता हूँ। और गाइस आपका नाम लिखना चाहते हो आप कहीं पर नाम लिख सकते हो आसान तरीके से। जैसे मैं आपने नाम लिख लिया, नाम लिखने के बाद गाइस आपको दिख रहा हो कोने में कोने राइट का आइकन, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप राइट राइट के निशान पर क्लिक करोगे तो गाइस ये मोबाइल नंबर होगा वो सेव हो जाएगा आसान तरीके से। तो गाइस इसी प्रकार मैंने व्हाट्सएप का नंबर को सेव करना चाहते हो तो इस प्रकार कर सकते हो। तो चलिए गाइस ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।